डिटॉक्सिफिकेशन। अब डिटॉक्सिफिकेशन जो बताया उन्होंने कि शौच से जो है मल मूत्र विसर्जन से सिर्फ 30% जो है वो निकलता है और 20% बाकी स्वेट के रास्ते त्वचा के जो छिद्र है उससे निकलता है। 50% डिटॉक्सिफिकेशन कर लिया आपने, व्हाट अबाउट अनदर 50%? अब 50 भी नहीं है, 30 तो ठीक है, गोली गाली खा के कर लेते हैं, पसीना तो निकलता ही नहीं, घर में एसी लगा है, बाहर गाड़ी खड़ी है, पहले तो साइकिल होती थी, पैदल होता था तो थोड़ा स्वेट करते थे, वी आर नॉट स्वेटिंग, तो 20% टॉक्सिन्स तो भीतर रह गए, दे आर नॉट कमिंग आउट। शिव योग के साधक को लर्न टू स्वेट, पसीना जरूर बहाना हर रोज, हर रोज ऐसा कुछ भी करना पसीना बहाना। अगर शौक वाली बात है तो चलो एक फैशनेबल शौक पैदा करो। मुझे बंबई में किसी ने बताया कि बाबा जी सिगरेटें बंद हुई तो एक फैशन हुआ है हुक्का पीने का, हुक्के लगते हैं, लोग आते हैं, हुक्का पीते हैं। मैं बोला एक फैशन हमारा भी ले लो, एक गैदरिंग करो और चक्की ले आओ और चक्की पीसने का फैशन करो। पुराना फैशन अगर करना ही है, ग्रामीण अगर करना ही है, तो एक टेबल पे चक्की लगाओ और उसमें डालो और जब बैठो मिलो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो तो बारी बारी से घुमाओ उसको, पसीना निकलेगा। बिलीव मी, आई एम नॉट जोकिंग, आई एम सेइंग ट्राई डूइंग इट, उसको करो। गांधी जी ने चरखा कातने की बात करी थी, ना बुने धागा कोई बात नहीं, लेकिन रुई के साथ गोला गाली तो करो, थोड़ा सा जो है शरीर को हिलना चाहिए, शरीर को हिलाना चाहिए। गाय दोहते थे पहले, आजकल गाय को वो माना जाता है, पोल्यूशन माना जाता है, पोल्यूशन, और एयर कंडीशन को नॉन पोल्यूशन माना जाता है। आपको मालूम है एयर कंडीशन जो है वो ज़्यादा नेगेटिव रेडिएशंस पैदा करता है। पोल्यूशन इज नॉट द फिजिकल, इट इज़ द एथरिक, एथरिक। मैं वेस्ट में गया था, बड़ी सफाई है, इतनी सफाई देखी नहीं होगी आपने, धूल का कण भी नहीं है, पेड़ ही पेड़, हरियाली भी है, लेकिन ओजोन लेयर में होल मालूम है किधर है? इज इट अबव इंडिया और इज इट अबव वेस्ट? टेल मी व्हाई। वो लोग तो बोलते पोल्यूशन ही नहीं है, देयर इज ए हॉरिबल एथरिक पोल्यूशन इन द वेस्ट। हम अभी डेवलप नहीं हुए, हम बढ़ रहे हैं, हम 200% पोल्यूशन जिस दिन अगर बढ़ गए 200% करेंगे। 100% तो नालियों में बहने वाला कूड़ा और 100% मॉडर्न जो नेगेटिव रेडिएशंस। वो लोगों ने इतनी नेगेटिव रेडिएशंस पैदा करने वाले उपकरण लगाए हुए हैं। नॉर्वे में मैं था तो मैंने कहा कि मुझे ऐसी जगह रुकूंगा जो समुद्र का किनारा हो और कोई जाने नहीं, मैं वहां पर रुक के फिर सत्संग होगा। बहुत सुंदर एक वुडन कॉटेज थी, इट वॉज वेरी नाइस, देखा मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बोला यहां रुकूंगा। रात को मैं बैठा, उन्होंने बोला ठंड हो गई, स्विच ऑन द हीटर, ओके डू इट। जब मैं ध्यान में बैठा तो जहां एनर्जी एक्सपेंड होनी थी सडनली मुझे एक आयरन कर्टन महसूस हुआ। मैं बोला ये क्या हो गया, कुछ एलियन से सामना होने वाला है क्या? तो लेट मी ट्राई डूइंग इट एंड सी। आई फेल्ट, लेकिन इट वॉज वेरी स्ट्रांग। तो फिर मैंने जब देखा तो वो हीटर ऑन था, उसको स्विच ऑफ किया, एकदम एनर्जी एक्सपेंड होनी शुरू। वो क्या था कि फर्श के नीचे भी बिजली की तारें बिछाई हुई थी उन्होंने, और जैसे ओवन होता है उस ओवन के अंदर एक आदमी को डाल दिया जाए और इलेक्ट्रिक करंट चारों तरफ से दौड़ाया जाए,
तो उसकी क्या परिस्थिति होगी? दे प्रोड्यूस नेगेटिव रेडिएशंस. पहले समय में फायरवुड था, इट वॉज नाइस, अब इलेक्ट्रिसिटी है, इसीलिए वहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है. फिजिकली विजिबल नहीं है, लेकिन एथरिकली दे आर प्रोड्यूसिंग मोर पोल्यूशन.